तो दोस्तों, आज बात करेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। शुरू करें इससे पहले चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लस लाइक शेयर सर्च करें, सब्सक्राइब करें। तो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, ऊपर आपको बताया जा चुका है कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग में बांटा गया है। जो अगला वाला वीडियो आपने देखा होगा तो खुद समझ में आ जाएगा किसको चार भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम पहचानेंगे कैसे? जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है अथवा ता हूँ लगा रहता है, वह अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ता आया लास्ट में, वे खेलते हैं, ते हैं, वे खेलते हैं, तुम नाचते हो, वह गाता है, ता है ना, वह गाता है, इत्यादि। दोस्तों, इसके कुछ रूल होते हैं जिसे हम नियम कहते हैं। ही सी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब के अंत में यस या ईएस लगता है। यह रूल नंबर दो, आई वी यू दे के लिए वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म मैं खाता हूँ, आई एट, सिंगुलर में, प्लूरल में हम खाते हैं, वी इट। सेकेंड में देख सकते हो, थर्ड में भी देख सकते हो। हम इसके चार भाग में बांटे हैं। पहले बात करेंगे सकारात्मक यानी स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके रूल हैं, पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं विद्यालय जाता हूँ। सब्जेक्ट में क्या हो गया, मैं, आई, कैन मैंने जाना। वर्ब क्या कर रहे हैं, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। वह जाता है, ही गोज, वह जाता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्लेइंग क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। इसको अगर निगेटिव में करें तो हर वाक्य के अंत में आ रहा है ना, ता हूँ, ता है, ता हूँ। निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस वाक्य में देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इन रूल का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नॉट। निगेटिव तथा इंटरगेटिव वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता। डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है।
इस तरह के कुछ नकारात्मक भाग पर ध्यान दे रहे हैं हम, वह विद्यालय नहीं जाता है, वह ही के बाद क्या लगाना है? टच, डू नॉट या टच नॉट। तो अगला वाला वीडियो आपने तो देखा होगा, तो वह विद्यालय नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह दूध नहीं पीता है, वह दूध नहीं पीती है, लड़की है। सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क। राम बाजार नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है बाजार? राम। फिर सहायक क्रिया लगा दिया डज नॉट, फिर आने जाने को गो माने जाता है, द गो टू द मार्केट। मोहन आम नहीं खाता है, मोहन डज नॉट ईट मैंगो। वे चाय नहीं पीते हैं, दे डू नॉट टेक टी। इसको अगर प्रश्नवाचक वाक्य में देखें तो इसका रूल है, इस प्रकार अफर्मेटिव वाक्य को इंटरगेटिव बनाने के लिए बनाना हो तो नियम उपयोग करें, पहले डू या डच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इसके कुछ नोट हैं, निगेटिव तथा इंटरगेटिव वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस नहीं लगाया जाता। डच का प्रयोग सिंगुलर नंबर्स या प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। दोस्तों कुछ वाक्य है इसमें तो देख ले रहे हैं, क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू द मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या वह रोता है, डज ही वीप, क्या वह गाती है, डज सी सिंग, क्या वे सेब खाते हैं, डू दे ईट एप्पल। दोस्तों बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके पहचान देखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे रहे रहा है, रहे हैं, रही है, रही हूँ, इत्यादि आता है, वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है। जैसे वह जा रहा है, रहा है लास्ट में, वह खा रहा है, दौड़ रहा है, मैं खेल रही हूँ इत्यादि। इसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित रूल का प्रयोग किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही सी इट के लिए इच का प्रयोग किया जाता है, और आई के लिए एम का प्रयोग किया जाता है, और यू वी दे के लिए आर का प्रयोग किया जाता है, और सभी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है। टेबल देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीन शॉट लेना तो ले सकते हैं। नोट, जब वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय वर्ब से ई लुप्त हो जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देता ई। जैसे डब्ल्यू आर आई टी ई राइट प्लस आईएनजी
अब बराबर करेंगे तो डब्ल्यू आर आई टी ई आई एन जी राइटिंग। तो इसमें सकारात्मक वाक या अफर्मेटिव सेंटेंस बात करेंगे हम। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पत्र लिख रहा हूँ तुरंत कंटिन्यूअस माने काम अभी चल रहा है। मैं पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर आई एन जी बताया था कैसे होगा राइटिंग ए लेटर। मोर नाच रहा है। पिकॉक इज डांसिंग। तुम आम खा रहे हो। यू आर ईटिंग ए मैंगो। दोस्तों हम बात करेंगे नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस। रूल है नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एच एम आर और मेन वर्ब के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसको देखेंगे इस तरह सब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो नंबर एक मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। हम पूजा नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्शिपिंग। वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। दे आर नॉट प्लेकिंग फ्लावर। बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य इंटरगेटिव का। तो रूल इसमें इच एम आर आगे हो जाएगा सब्जेक्ट पीछे प्लस आई एन जी। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। एम आई राइटिंग ए लेटर। क्या वह घर जा रही है। इट सी गोइंग टू होम। इसका थर्ड है दोस्तों इसमें बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट तो इसकी पहचान देखेंगे। जिस वाक्य के अंत में चुकी हूँ ऐसे वाक्य हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह जा चुका है। खा चुका है। वह खा चुके हैं। आ चुके हैं। तो उसके रूल्स हैं कुछ ही सी इट के लिए हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और आई वी यू दे के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सभी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा पर्सन में। तो टेबल देख लीजिए। मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटिंग। हम खा चुके हैं। वी हैव ईटिंग। तो इसमें ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग करना है और आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस इसकी पहचान है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह जा चुका है। ही हैज गॉन। वे नहा चुके हैं। दे हैव वे थर्ड। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। काम हो चुका है इसका मतलब हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड
क्रिकेट, निगेटिव में उसी तरह रहेगा। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वह स्कूल नहीं गया है। ही हैज नॉट गोन टू स्कूल, मुझे आपका पत्र नहीं मिला। आई हैव नॉट रिसीव्ड हिज लेटर। अब इंटरगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में ही प्रश्नवाचक वाक्य में हैव और हैज, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें शुरू में हो जाएगा। क्या तुम नहा चुके हो? हैव यू टेक वेथ। क्या वह बाजार जा चुका है? हैज ही गॉन टू द मार्केट। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस पार्ट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर को समझेंगे, समझना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया हुआ रहता है, किंतु प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय की चर्चा की गई है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, इस वाक्य में समय का चर्चा नहीं की है, किंतु 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव, इसमें क्या लगाना है दोस्तों? हैविंग। रीडिंग फॉर 2 आवर्स, इस वाक्य में एक निश्चित समय पर चर्चा किया गया है। इसमें दोस्तों निश्चित समय और अनिश्चित समय का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय जैसे सिंस, निश्चित समय फॉर और अनिश्चित समय सिंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे देख सकते हैं, ही सी इट तथा एक वचन के लिए नाउन के साथ हैज हैव लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं, तथा शेष कर्ताओं के साथ हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के अंत में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसको देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस हैव बीन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी, शेष फॉर और ऑब्जेक्ट। वह दो घंटे से नहा रहा है। 2 घंटे यानी कि 4 लगे, 4। ही हैज बीन विथिंग फॉर 2 आवर्स, यह लड़की सुबह से खेल रही है। इसमें समय दिया है 2 घंटे और इसमें दिया है सुबह से, यह लड़की सुबह से खेल रही है। दिस गर्ल्स हैज बीन प्लेइंग सिंस, सुबह से लिए सिंस मॉर्निंग, और ये 2 आवर्स के लिए 2 आवर्स। इस प्रकार हम निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। वह 2 घंटे से नहीं सो रही है। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स 4 लगाना है। वह दोपहर से नहीं सो पा रही है, दोपहर से, इसमें सिंस लगेगा।
She has not been sleeping since noon. क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य देखेंगे. इंटरगेटिव हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. क्या रीना सुबह से गा रही है? हैज रीना वीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग. क्या बच्चे 2 बजे से सो रहे हैं? क्या बच्चे 2 बजे से सो रहे हैं? Has the children been sleeping since 2 hours? इसमें अगर सुबह है तो सिंस लगेगा, अगर टाइम दिया है 1 घंटे 2 घंटे तो फोर लगेगा. जैसे क्या मोर 1 घंटे से नाच रहा है? Has the peacock been dancing for an hour? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और सर्च करें पीके पन का. दोस्तों मैं एक वीडियो और बनाया हूँ, इसमें अच्छे से विस्तार से समझाया हूँ. ये थोड़ा जल्दी जल्दी में है इसीलिए रात बहुत हो चुका है और मैं आवाज़ भी इतना नहीं कर सकता. तो दोस्तों लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और ना समझ में आए तो दोबारा देखें और कमेंट करके पूछ लें और अच्छे से अच्छे वाला वीडियो देखें और भी टेंस का देख लें.